जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय परिषद की बैठक आज पटना में हो रही है। पटना में जदयू कार्यालय में ये बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें जनता दल यूनाइटेड के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर ले, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष की बात कर ले, महासचिव केसी त्यागी की बात कर ले, सभी नेता पहुंचे हैं पटना। और पटना में इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि आखिर आने वाले दिनों की रणनीति क्या होगी। लेकिन जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कुछ अहम प्रस्ताव पर मुहर लगाए हैं। दरअसल इनमें सबसे अहम प्रस्ताव है कि आने वाले दिनों में किन किन राज्यों में चुनाव लड़ना है और कैसे लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी को जवाब कैसे देना है। हाल ही में चुनाव हुए हैं और इस चुनाव के परिणाम जो आए हैं वो जदयू के पक्ष में नहीं आया है, और इसको लेकर जनता दल यूनाइटेड को लगातार विपक्षी दल घेर रहे हैं। तो जदयू के नेता को तय करना होगा कि आखिर नीतीश कुमार क्या करेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने वाले दिनों की रणनीतियों को कैसे लेकर चलेंगे। लेकिन स्पष्ट तौर पर समझे तो जदयू की इस बैठक में तेजस्वी के साथ यानी राष्ट्रीय जनता दल के साथ विलय की बात पर चर्चा हुई है। दरअसल राष्ट्रीय पार्टी बनने की ओर अग्रसर जनता दल यूनाइटेड को ललन सिंह लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जदयू के अंदर खेमे में बार बार इस बात को लेकर चर्चा हो जा रही है कि कौन से वो नेता हैं नाराज हैं और किन की नाराजगी सामने आ रही है। लेकिन राजद जदयू के विलय को लेकर इस बैठक में अभी जो बातचीत हुई है उसमें ये चीज़ें स्पष्ट है कि आने वाले 6 महीने में इस तरह की कोई बात नहीं होगी। यानी साफ तौर पर समझे तो 24 चुनाव के पहले कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग किया जाएगा, लेकिन मई जून के महीने के बाद यानी अगले वर्ष 2023 के 6 महीने बीत जाने के बाद राजद जदयू के विलय पर चर्चा होगी। इंतजार करना होगा राजद जदयू के विलय को लेकर, जो चर्चा बार बार हो रही है और ललन सिंह ने जो फैसला लिया है उन फैसलों को लेकर नीतीश कुमार कितना इत्तेफाक रखते हैं। इसलिए कि नीतीश कुमार ने जब सारी जिम्मेदारी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को दी है तो ललन सिंह अपने हिसाब से पार्टी को चला रहे हैं, और ऐसे में राजद जदयू के विलय को लेकर चर्चा थी तो ये बात 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। इसके पीछे का कारण एक तो ये भी है कि लालू प्रसाद यादव का अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, तो लालू को ठीक होने में बिहार आने में 5 से 6 महीने का वक्त लग सकता है, और यही वो वक्त होगा जिसमें जनता दल यूनाइटेड अपने आप को मजबूत करेगी, और यही वो वक्त होगा जब राजद जदयू के संबंधों को एक बार फिर से मधुर किया जा सकता है। लेकिन ऐसे में इंतजार करना होगा, लालू प्रसाद यादव के आने के बाद ही कुछ बड़ा फैसला होगा। ललन सिंह ने तो तय कर दिया है कि अभी 6 महीने का वक्त है, उसके बाद एक बार फिर से बड़ी बैठक बुलाई जाएगी और इस बैठक में तय होगा कि ये जो चर्चा है राजद जदयू के विलय वाली ये कहां तक जाती है। लेकिन 2024 चुनाव के पहले राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के लिए कोई बड़ी खबर ललन सिंह, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।